कैसा इस्तराब है। बेटा जल्दी से खा लो। तो फिर I'm getting late darling, मुझे आपको छोड़ के ऑफिस में जाना है। चलो चलो चलो। तो प्रिय, what are you doing darling? मामा फिर पराठा। जी फिर पराठा। याद रहे डॉक्टर अंकल ने क्या कहा था? You have to eat more fiber. Eat it. खाओ मेरी जान। मामा आप ही खिला देना। अच्छा मैं खिलाती हूँ, मेरा लाडो बेबी। चलो खुला बुक रख ली। फिर बुक रख ली बेटा आपने? जी डॉक्टर। खाना खाता मैं बोलते ही नहीं मेरी जान। पानी पी लो। खाना खाने को पुस्से मिल रहा। The Braves? बड़ों को ऐसे नहीं कहते। गंदा बच्चा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाय लाओ आपके लिए। बच्चे चले जाएं तो आराम से नाश्ता करते हैं। मैंने बच्चों को ड्रॉप करके ऑफिस जाना है, देर हो रही है मुझे। चलो बच्चों, पापा से मिलके आ जाओ। अब बाय। वो खाला को बुलाया था, आ रही हैं। बाय पापा। बाय पापा। ओके बच्चों, दिल लगा के पढ़ना, शाबाश। हेलो बिजी वुमन। हाय। क्या हो गया, लंच ब्रेक में भी नहीं ऑफ लोगी? नहीं बस मैं उठने वाली थी, बल्कि बच्चों को छुट्टी होने वाली है 15 मिनट तक, तो मैं लेने जा रही हूँ उन्हें। बच्चों को पिक करोगी, घर जाओगी? इतनी दूर से वापस कैसे आओगी? आज नानू की तरफ जाऊंगी, बल्कि उनकी मेड भी उन्हें बहुत तंग कर रही है। अक्सर बड़ी उम्र के लोग अपने सर्वेंट्स के बारे में इसी तरह की शिकायत करते हैं। नानू ऐसी नहीं है। इनफैक्ट मम्मा पापा के बाद उन्होंने मुझे पाला है, कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। तो तुम उनको अपने साथ ले आओ ना घर, इतना बड़ा घर है तुम्हारा। मेरा नहीं, जाजिब का है वो घर। तुम जाजिब की इन छोटी छोटी नादानियों को नजरअंदाज नहीं कर सकती? छोटी छोटी नादानियां, वो एक समझदार मर्द है समीरा। नादानी क्या होती है, एक परफेक्ट फैमिली होते हुए, दो खूबसूरत बच्चे, लविंग केयरिंग वाइफ के होते हुए वो फिर भी दूसरी औरतों पे नजर रखता है, ये नादानी है। मेरा ख्याल है ऐसे नादान इंसान को फिर शादी नहीं करनी चाहिए। आई एम सॉरी। अच्छा आई जस्ट थिंक मैंने गलत वक्त पे गलत बात कर दी है। छोड़ो इन सब बातों को, चलो उठो, मैं तुम्हें लंच करवाती हूँ। नहीं यार मुझे जाना है, देर हो जाएगी, बच्चों को पिक करना है, फिर कभी से। चलो एज यू विश, आई वोंट फोर्स यू, लेकिन बाय द वे मेरी बात के बारे में सोचना जरूर। शो सुनो, वैसे तुम्हारे और नानो की बातें बहुत मिलती हैं। ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक। नानो को खुद बताऊंगी मैं। टेक केयर, बाय। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह, ये बिल्ली इतनी बड़ी हो गई है। मैं वाकई बड़ी हो गई हूँ, और आपको पता है मैंने स्कूल में जॉब के लिए अप्लाई भी किया है। वाकई बड़ी हो गई है ये। ये और नौकरी करने लगी नौकरी। खाला जान, आपकी बातें और तरीके बिल्कुल अम्मी जैसे। शैतान कहीं का, चल। और एक बात है कि इस घर के तरीके वो नहीं रहे। बच्चे कहाँ हैं? हाँ, बच्चे तो स्कूल में हैं। जारा उनको वापसी पे पिक करके शायद अपने नानों के यहाँ छोड़ दे, शाम को आएंगे। अच्छा खाला, आप लोग अंदर जाके आराम करें, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। इम्तियाज इधर आओ, ये बैग्स पकड़ो, खाला जान को गेस्ट रूम में ले जाओ और चाय बनाओ अच्छी सीन के लिए। चलो शाम को मुलाकात हो। इंशाल्लाह खाला जान, आराम करें आप लोग। भाई जाजिब आज ऑफिस में था, लंच ब्रेक पे आ जाता तो कितना अच्छा था। नानू, जाजिब का आज ऑफ था, उसकी खाला आ रही है ना, खालू के उस सारे मामले के बाद खानदान में रहना उनका मुश्किल हो गया था। वही वाली खाला ना जिसकी एक बेटी है? हाँ वो। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया, कम से कम एक औरत हर वक्त घर पे तो रहेगी ना। नानू मुझे देर हो रही है, आप आके खाना खा लें, बच्चों जल्दी से खाना खा के फिर सो जाना है, ठीक है? हो सकता है आपके पापा 4 बजे आपको लेने आ जाए। ठीक है मेरी जान, लव यू, बाय बाय नानू। हेलो। हाँ जारा, खाला पहुँच गई हैं, तुम आ रही हो लंच के लिए? जाजिब लंच ब्रेक गुजर चुकी है और मैं बच्चों को नानों की तरफ छोड़ भी आई हूँ। हाँ मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि तुम्हारे पास मेरे मेहमानों के लिए वक्त ही नहीं। जाजिब तुम्हें अच्छी तरह पता है कि बच्चों का स्कूल नानों के घर के करीब है और मुझे वहाँ जाना होता है, बिला वजह की बहस है ना। आज छुट्टी भी हो सकती थी। वेल होने को तो फिर बहुत कुछ हो सकता था। फजूल की लड़ाई मत करो मुझसे, शाम को आऊंगी तो खाला को कहीं खाने पे ले जाएंगे। तुम जानती हो खाला बाहर से खाना नहीं खाती। बच्चे नानों के हैं? हाँ बच्चे नानों की तरफ है। खाला पूछ रही थी उनका, उन्हें पिक कर लेना, मैंने कह दिया था। वेल मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम आज बच्चे को खुद पिक करोगे। क्यों, मैं क्यों पिक करूंगा? सारा घर पे मेहमान आए हुए हैं, तुम भी घर पे नहीं हो और ना ही घर वापस आना चाहते हो, और मैं भी निकल जाऊँ बच्चों को पिक करने के लिए। ठीक है जाजिब, मैं खुद बच्चों को पिक करके ले आऊंगी, आप तकलीफ मत कीजिएगा। रहने दो यार, मैं खुद ही पिक कर लेता हूँ। बाय। थैंक यू, बाय। खाला ये कीमा भी लेना। हाँ जी, कैसा लगा आपको अपना कमरा? बहुत अच्छा। बच्चे कब तक आएंगे? अरे तुम भी हर बात के पीछे ही पड़ जाती हो, फिर जब आना होगा तो आ जाएंगे ना। नहीं खाना, इट्स ओके, उसका दिल कर रहा होगा मिलने के लिए। बल्कि ऐसा करते हैं ना, खाना खा के उनको ले ही आते। दरअसल अकेली है ना, छोटे बहन भाइयों को मिस करती है। यार हनीफ, तुझे कितनी दफा समझाया, एक ऐसी रोटी बनाता है मोटी और कच्ची। गैस सर नहीं आ रही ना, तो फिर इससे पतलियों के सूख जाएगी सर। हमने भी सारी उम्र रोटियां बनाई हैं भाई, ना कभी किनारा कच्चा रहा और ना ही कभी रोटी सूखी। अरे खाला ये लोग ऐसे ही होते हैं, बल्कि ये भी गनीमत है कि इतनी देर से टिका हुए। बेटी जाओ, जाके जाजिब के लिए 2 रोटियां बना के लाओ, जाओ जल्दी जाओ। अरे नहीं नहीं खाला, ये क्यों बनाएगी, आप लोग तो मेहमान हैं यहाँ पर। नहीं जाजिब जी, मैं भी आपके लिए रोटी बना कर लाती हूँ। अरे मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, हम मेहमान नहीं बलाए जान है। चलो जाओ, शाबाश, जल्दी से जाओ।
कैसी बातें करती हैं आप खान भाई, ये आप लोगों का अपना घर है। अरे बेटा, कभी कहते हो कि मेहमान है, कभी कहते हो अपना घर है, बताओ हम कौन है। अच्छा भाई, मैं हार मान गया भाई। दुआ, आज से सारी रोटियां तुम ही बनाया करोगी, ठीक है? अब खुश। अब क्या क्या दूं आपको? और बस ठीक, बहुत शुक्रिया, खा रही हूं मैं, बहुत मजे का था। We're going home. Hi, Nanu. देखिए चीची कितने मजे के हैं। मुझे भी लेने का दिल कर रहा है। They are awesome. देखो इसको ऐसे कहो, ये शूज बहुत अच्छे हैं, आपको भी ये लेने हैं। अब आप कहें कि मुझे भी ये शूज चाहिए। भाई ये तो मौजे हैं, ये शूज थोड़ी हैं। नाना लेकिन जैसे भी, लेकिन चाहिए दे आओ। If you wish it, उठे ना नानो, उठे ना नानो, नानो उठे। देखो सोचिया, नानो को फिर से नींद आ गई। तुम जाओ अपनी बुक्स लेके आओ और अपना होमवर्क करो। मैं पहले मैं पीटर पैन पीछा। Don't fret, my dear. With pen, dear, we'll both be free. And you can sleep in an hour. I have arranged a fairy guide to lead you back. Peter, we've been talking. What if you came back with us? I still got one. Can we go, Peter? Please, Peter, can we go? If you wish it. Get your things. जी खाला, बिल्कुल आइए। वालेकुम सलाम। बच्चे कहाँ पर हैं? बच्चे तो बड़ी बाजी के कमरे में सो रहे हैं। सो रहे? अच्छा उनको बुला लो जरा। हाँ देखो जरा। खाला बैठे ना। हाँ बच्चे, बस देखो। हाय हाय, क्या अल्लाह की मर्जी है, क्या उसकी शान है बेटा। शायद नानी ने जहरा को पाल पोस के इसीलिए जवान किया था कि अब वो उनका ख्याल करे। हाँ जी बिल्कुल, जैसे आप जानते हैं जहरा इकलौती बेटी थी और उसके पेरेंट्स प्लेन क्रैश में मर गए। बस यही दोनों हैं अब फैमिली का हिस्सा। हाँ बच्चे, तुम उनको अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? खाला मैंने तो कहा था लेकिन जारा नहीं चाहती। अच्छा देखो तो सही, दुल्हन रोज यहाँ से बच्चों को लेके घर आती है। खाला मैंने तो उसको मना किया था लेकिन वो खुद जॉब करना चाहती। बड़ी हिम्मत वाली है भाई, सुबह सुबह उठना, फिर बच्चों को स्कूल छोड़ना, उसके बाद सारा दिन काम करना, फिर बच्चों को उठा के घर लाना, फिर घर के काम करना। अरे भाई ऐसी हिम्मत बहुत कम लोगों के पास होती है बेटा। खाला उसकी अपनी मर्जी है। हाँ। चलो शौक अच्छा है, ये तो अच्छा शौक है, और चार पैसे कमा लेती है ये भी बुरी बात नहीं। जारा आप बच्चों को खुद लाती हैं? हाँ मैं तो ऑफिस में बहुत बिजी रहता हूँ। फिर तो वाकई बड़ी हिम्मत है उनकी। आओ बच्चों आओ। अरे भाई अपनी दादी से मिलो, ये तबरेज है और ये सोफिया। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बाजी सो रही हैं, कहें तो जगा दूं? नहीं चलो ठीक है, उनको सोने दो, हम फिर आ जाएंगे। चलें खाला फिर घर की तरफ चलें। हाँ। चलो बच्चों।
हेलो, हाँ जाजिब, ट्रैफिक जैम में मैं लेट हो जाऊंगी थोड़ा। बच्चों का कहना तैयार हो जाए, कारी साहब आने वाले हैं। फॉर गॉड्स सेक ज़ारा, मैंने आज छुट्टी रिलैक्स करने के लिए की थी। अगर तुम छुट्टी नहीं ले सकी तो कम से कम मेरा दिन तो बर्बाद ना करो। जाजिब, बच्चे को एक जुमला कहने से दिन बर्बाद नहीं हो जाएगा आपका। जानता था, बस मुझे ऑर्डर देने का शौक है तुम्हें, और कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, मैं खुद ही आ जाती हूँ। बाय। वाकई खाला। अरे खाला, आपको याद है नानो इस मौसम में कितनी मजे की कश्मीरी चाय बनाया करती थी। जासिब जी, आपको पता है कि मुझे भी कश्मीरी चाय बहुत अच्छी बनानी आती है। अरे ये बिल्ली तो ऐसी बातें करती है, भाई आती है तो बनाओ ना जाके किचन में। आपके किचन में कश्मीरी चाय की पत्ती तो होगी। हाँ भाई, क्यों नहीं होगी, ये पेरिस थोड़ी है। और अगर नहीं भी होगी तो हनीफ को कह देना, वो जाके ले आएगा करीब से। हाँ बेटा, देखना बारीक बारीक बादाम और पिस्ता काटना। अच्छा जी अम्मी। शाबाश। ये क्या पढ़ रही हो रसाले में, जरा दिखाओ तो सही। तुम्हें पता है कि जब दुआ छोटी थी ना तो मैं एक रसाला लेके आती थी, क्या नाम था उसका, बच्चों की दुनिया। बड़ी कहानियां होती थी उसमें और मैं उसे पढ़ के सुनाया करती थी। बी खाला, मैं ये वापस ले लूं, मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी। तुम ऐसा करो, जाओ किचन में जाके देखो कि वो चाय कैसे बनाती। भाई कोई काम भी आना चाहिए ना, जाओ सीख लो, जाओ। शाबाश। अरे छोटे, आंखें खराब हो जाएंगी इतने करीब से टीवी देख रहे हो, जरा पीछे होके बैठो बेटा। खाला की बात सुनो, खाला ठीक तो कह रही हैं। चलो पीछे हो। शाबाश। मैं किचन में जा सकता हूँ? अगर जाना चाहो तो चले जाओ। माजरत चाहती हूँ बेटा, जरा बच्चों को रोकने टोकने की आदत है मुझे, बुरा ना मानना। नहीं नहीं खाला, आपने ठीक ही तो कहा, इनकी दादो जिंदा होती तो वो भी यही बात करती। अच्छा, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी चाय बना के खाती हो। इंतजार कर रहा हूँ। खाला ये भिंडी लीजिए, हनीफ बहुत अच्छी बनाता है। बहुत शुक्रिया बेटा, लेकिन देखो तो सही, इच्छा से अपने इतना कुछ डाल दिया, मेरी तो प्लेट भरी हुई है बिल्कुल। दुआ तुम कुछ खा रही? तुम्हारी प्लेट तो बिल्कुल खाली, लो ना ये पकड़ो। मेरी प्लेट इसलिए खाली है क्योंकि जासिब जी को मौका ही नहीं मिला प्लेट भरने का। बेटा अल्लाह तुम दोनों के रिस्क में इजाफा करे, तुम लोगों की हमेशा हर दुआ कबूल फरमाए, तुम लोग हमारे इस आड़े वक्त में हमारे काम आए, अल्लाह हमेशा बलाएं दूर रखे। खाला ऐसी बातें क्यों कह रही हैं आप, हम और आप क्या गैर हैं, अपने ही अपनों के काम आते। और आप प्लीज परेशान ना हो, ये वक्त भी गुजर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बस बेटा तुम लोगों का ही सहारा रह गया। मामा मुझसे नहीं खाया जा रहा ये राइस। बुरी बात सोफिया, चुप करके खाना खाओ। बेटा कैसे खा ले, ऐसे गुठे हुए चावल हैं। अरे तुम्हारी अम्मा बनाया करती थी चावल, ऐसे खिले खिले चावल, एक एक दाना अलग, याद है जैसे? जी खाला। मामा मैं अंडा और पराठा खा लूं। चुप करके खाना खाओ सोफिया। पता है बिगुल ने अभी तक मेरा स्मैश वापस नहीं किया, मैंने मांगा तो कहने लगी कि इधर ही रखा है, अभी देती हूँ। मामा से पूछो ना फिर। मामा बहुत थकी हुई हैं, वो बहुत देर तक बीगल को चुप करवा रही थी, वो रो रही थी ना। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं,
शायद उनके मियाँ नहीं है ना। मियाँ तो मैं नाना के भी नहीं है, नाना वो नहीं रोते। हर आदमी हर सिचुएशन पे डिफरेंट तरह बिहेव करता है, याद है ना मैम ने असेंबली में बताया था। पहले ये बताओ दुआ इतना हंसती क्यों है? पता नहीं, लेकिन मेरा स्मैश। ये देखो उस बंदी का एक और पोस्ट। नानो ने मना किया था ना, ये बंदा नहीं पीटर पैन है। तो भी क्या फिर पीटर पैन बंदा नहीं? अच्छा अब सो जाओ, मामा ने अगर जागते हुए देख लिया ना तो बहुत डांटेंगी, सुबह स्कूल भी जाना है। चलो। मामा तो नहीं डांटेंगी। क्यों? क्योंकि बाबा का मूड ऑफ है, वो उनको समझाएंगे जब तक वो आएगी। मैं तो तुम बहुत तेज हो। चलो आओ चले। खाला बहुत परेशान है। बहुत बुरा किया खालू ने इनके साथ। वो तो शर्मिंदगी के बायस किसी को बता भी नहीं रही थी, वो तो दुआ ने मुझे बता दिया। दुआ का ही कुछ ख्याल कर लेते, शादी की उम्र है उसकी, चारी कितनी परेशान होगी कि बाप ने दूर की शादी कर ली। सुन रहे ऐसे यार बहुत हमाकत की खाले। खाले इतनी अच्छी औरत है। I'm sure he's going to regret it. जब ये भी तो हो सकता है कि जो खाला की खूबियां हमें दिख रही हो वो खालू की नजर में खूबियां ना हो। नहीं यार, I mean एक मर्द को एक औरत में इससे ज्यादा और क्या चाहिए? उसका घर वेल मेंटेन्ड हो, वो खुद अपने हाथ से अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाए और उसके मेहमानों को इज्जत दे। मुझे सुना रहे हो? नहीं, लेकिन अगर तुम ऐसा समझ रही हो तो ऐसा ही होगा। मैं समझ रही हूँ, तो मुझे समझाने की कोशिश कर रही हो। जहां तक मेरा ख्याल है, मेरा घर वेल मेंटेन्ड है, अच्छा खाना पकता है, मेहमानों की इज्जत की जाती है, और क्या चाहिए? वो सब काम नौकर करते हैं। जाज़िम, हम नौकर अफोर्ड कर सकते हैं। तुम क्यों चाहते हो कि मैं घर में नौकरों की तरह काम करूं? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम अगर घर का काम कर लोगी तो तुम नौकर बन जाओगी? I mean, मेरे खानदान को भी देख लो यार, हमारे खानदान में भी औरतें पढ़ी लिखी हैं। दुआ, उसने बीए किया हुआ है लेकिन सब घर के काम आते हैं उसको। तुम मुझे दुआ से कंपेयर कर रहे हो, उस कल की बच्ची से? नहीं, मैं तुम्हें कंपेयर नहीं कर रहा, शायद तुम ही इनसिक्योर हो। मैं क्यों इनसिक्योर होंगी? जाज़िम, तुम हमेशा से मुझे ये साबित करना चाहते हो कि दुनिया की हर औरत मुझसे बेहतर है। क्या जाहिलों वाली बात कर रही हो तुम? तुम्हारी इन बातों से लग तो नहीं रहा कि तुम पढ़ी लिखी हो? तुम जल रही हो उससे। मैं नहीं जल रही। तुम जल रही हो। जाज़िम, तुम मुझे जानबूझ के इरिटेट कर रहे हो। खाला ना जाने कब तक यहाँ रहेंगी, अब ये तमाशा इस तरह होता रहेगा तो मुझे बातें करते रहोगे, अब घर का माहौल खराब नहीं होगा? तुम्हें अब खाला के यहाँ होने से भी मसला हो रहा है? तुम हो ही आदम बेसाद, और इसी वजह से तुम नानू को भी घर पे नहीं लाना चाहती कि कोई तुम्हारी घर से लातालुकी ना देख ले। क्या लातालुकी? हाँ, क्या लातालुकी? भाई यही, बच्चे कौन सी चीजें देख रहे हैं टीवी पे, कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, घर में कौन सा खाना बन रहा है, किसी चीज से गर्ज है तुम्हें? जाज़िम, बच्चे क्या पढ़े, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तुमने तो आज घर में खाना खाया ना, वरना तुम्हारा लंच टाइम तो। हाँ हाँ, कह दो कह दो, मैं लंच अपनी सेक्रेटरी के साथ करता हूँ। हाँ भाई करता हूँ, मैं घर आऊंगा तो कोई घर पे मेरा वेट कर रहा होगा लंच के लिए। जाज़िम, क्या सब लोग लंच टाइम में घर आते हैं, और जो घर नहीं आते उनका बाहर जाना जायज है? अगर तुम्हारा औरत होके बाहर फिरना जायज है तो मेरा मर्द होके बाहर फिरना महाजायज है। मैं आदमियों के साथ नहीं फिरती। अच्छा, तुम्हारे बॉस औरत है क्या? मैं बॉस के साथ काम करती फिरती नहीं हूँ जाज़िब। हाँ तो मैं भी अपनी सेक्रेटरी के साथ काम की ही बातें करता हूँ। ओके फाइन, जो तुम्हारा दिल चाहता फिर करो। खाला आप? पानी लेने आई थी मैं बेटा। रोज का मामूल है खाला, आप परेशान ना हो।
खाता। प्लीज मामा प्लीज खिला देना। जान जाके खुद खा लो ना, मामा आपके लिए लंच तैयार करी हूँ। जाओ मेरा बच्चा, लेट हो रहे हो, जल्दी करो। सारापा मैं तब्रेज को खिला दूं पराठा? हाँ क्यों नहीं, जाओ 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 जाओ। तब्रेज तुमने वो कहानी सुनी है जिसमें एक नान भाई इतनी बड़ी सारी रोटी बनाता है और फिर उसे तवे पर डालता है? जब तवे पर डालता है ना तो वो जो रोटी है वो छलांग लगा देती है। सुनी? सुनाओ। अच्छा, फिर वो रोटी दौड़ जाती है, दौड़ते दौड़ते बाहर चली जाती है और फिर उसे इतनी बड़ी गाय मिलती है और गाय रोटी को कहती है मैं तुम्हें खा जाऊंगी, और रोटी कहती है पकड़ के दिखाओ पकड़ के दिखाओ। दुआ तुम बिल्कुल बच्ची हो। जी कुछ नहीं, क्या हो गया है जल्दी में कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे। चलो बेटा मैंने आपका लंच बॉक्स तैयार कर दिया है, मैं जाके ड्रेस चेंज कर लूँ। हाँ ठीक है, ले जाना मेरी जान, देख लेना मेरी। अम्मी पानी। शुक्रिया बेटा। अम्मी मैं तो यहाँ पर बोर हो गई हूँ और करने के लिए भी कोई काम नहीं है। मुझे लग रहा है बेटा कि हम ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहेंगे। क्यों क्या हुआ? रात को जारा और जाजिब का झगड़ा हो रहा था, शायद हमारी वजह से। अच्छा, से जारा आप ऐसी लगती तो नहीं है। हाँ बेटा, लेकिन हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक जो नजर आता है और एक जो वो होते हैं। नहीं अम्मी, मैं सुबह उनसे नाश्ते पर मिली थी, वो बहुत अच्छी हैं। हाँ बेटा वो जरूर अच्छी है, लेकिन किसी इंसान का जर्फ आजमाना नहीं चाहिए। अम्मी हम खुद तो नहीं आए थे यहाँ पर, जाजिब जी ने बुलाया था। वो तो ठीक है बेटा, जाजिब ने बुलाया था हमें, लेकिन जारा तो अपनी सगी नानी को इस घर में नहीं रखती। तो फिर हम क्या करेंगे? मैं सोच रही हूँ, कुछ दिन पहले जाजिब ने जिक्र किया था उसका एक घर है, उसके दो पोर्शन है। मैं सोच रही हूँ उसे कहूँ कि एक पोर्शन हमें दे दे। अम्मी हमें इतनी जल्दी कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, और वैसे भी मियाँ बीवी में लड़ाई हो ही जाती है। हाँ बेटा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि लोग कहें बीगुल अपनी बदनसीबी इस घर में ले आई है, उस वजह से जाजिब और जारा भी अलग हो गए। अम्मी आप एक रात में इतना बड़ा फैसला कर रही हैं, अगर जारा को बुरा लगे तो हमारा वहां रहना भी बुरा लगेगा। तुम नहीं समझोगी बेटा, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक दूसरी औरत के साथ अपना घर नहीं बांट सकती। सारा आज फिर से नानो की तरफ जाओगी? नहीं आज नानो बच्चों को खुद ही पिक करवा लेंगी, मुझे ऑफिस का बहुत सा काम करना है लंच में। क्या मतलब आज फिर बिजी हो? सोचा था रात को करूंगी, लेकिन रात को फिर नहीं कर पाई। अच्छा चलो इट्स ओके, मैं चलती हूँ। ठीक है, मैं बहुत ठीक मिट्टी की बनी हुई हूँ और मैं कल दोबारा फिर आ जाऊंगी, फिर पूछूंगी। रोज आती हूँ और तो मुझे रोज मना। हाँ तो दोस्तों का और क्या काम होता है। चलो सी यू बाय। हेलो हेलो, क्या बात है? रात को मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया, सॉरी। हेलो, इट्स ओके। क्या कह रही हो तुम? मैं सोच रहा था इकट्ठे लंच कर लेते। नहीं मुझे ऑफिस में बहुत काम है, मैं नहीं जा सकती।
जारा मैं 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। प्लीज आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू यू। ओके Oh my God, ये तो बहुत बुरी बात है। मैं तो शर्मिंदगी के मारे उनका सामना भी नहीं कर पाऊंगी। क्या सोच रही होंगी बेचारे, पहले ही वो बहुत परेशान है। दुआ और खाला मेरा बहुत ख्याल रखती है, मेरा हाथ बढ़ाने की कोशिश भी करती है। मतलब सिचुएशन के बारे में कुछ और तो करनी है। जासिम देखो, मुझे उनके यहाँ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं, आई स्वेयर। क्यों ना ऐसा करें, दुआ बच्चों को बहुत ठीक से टीच कर सकती है। मैं उन्हें हायर कर लूँ ट्यूशन के लिए बच्चों की, हमारी भी मदद हो जाएगी उनकी भी। हायर कर यानी पैसे दें उनको? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? मेरी फैमिली है वो, ज़ारा हमसे पैसे लेंगी क्या? जैसे मैं सिर्फ एक बात करी, तुम बिना वजह बात का बतागड़ क्यों बना रहे हो? तुमने बात ही ऐसी की। चलो इस तरह के सजेशंस अपने पास ही रखा करो, सीरियसली। अनिल चाचा मुझे नूडल्स खाने हैं, मुझे रोटी नहीं खानी। बेटा नूडल्स नहीं मिल सकते आपको, सिर्फ रोटी मिलेगी क्योंकि आपके मामा ने मना किया। प्लीज ना अनिल चाचा नूडल देना। मना किया ना तो आपको, तो तीन टाइम उन्होंने कहा जी रोटी के अलावा कुछ नहीं देना, सिर्फ रोटी ही मिलेगी। तब्रेज मैं आपको खाना खिलाऊं? नो। एक मजेदार सी कहानी के साथ। लेकिन वही सुबह वाली कहानी। हाँ वही तो कह रही हूँ, पता है मजेदार सी कहानी के साथ रोटी बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे चिकन चीज पिज्जा। बैठ जाओ हनी चाचा। तुम मुझे टेस्ट करी हो, मैं क्या जरूरी है कि मैं ब्राउन रोटी खाऊं? नहीं तब्रेज, पता है ये सोने की बालियों से निकलने वाले सोने के दानों से पीसकर बनाई जाती है, इसीलिए ये बादशाहों और शहजादों का खाना कहलाती है। अब मुंह खोलो। शाबाश, अच्छी है ना? अच्छा तुम अभी मुझे कहानी सुनाओ। हाँ अच्छा,
एक बार क्या होता है, एक छोटा सा क्यूट सा बच्चा होता है, वो स्कूल जा रहा होता है, स्कूल जा रहा होता है, तो वो गिर जाता है, और फिर क्या होता है, उसको उसके फ्रेंड्स देखकर हंसने लग जाते हैं, और उसके सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। पता है क्यों कपड़े गंदे हो जाते हैं? क्योंकि वो रोटी नहीं खाता। इसीलिए रोज रोटी खानी चाहिए, वो भी सोने की बाली से निकलने वाली। ठीक है, समझ आ रही? दुआ जी। अम्मी, हम इस घर में ना मेहमान है ना मेजबान है। मेहमान वो होता है जो बुलाया जाता है, और मेजबान वो होता है जो बुलाता है। तो जाज़िब हमें सवाब कमाने के लिए लेके आया है, क्यों घर वाली ज़ारा है। ज़ारा तब तक नेकी कमाएगी जब तक ये उसके लिए आजाब ना बन जाए। जी तो कुछ बातें इंसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर पाता, सवाब की भी एक हद होती है। जब नेकी बोझ बन जाए तो इंसान उसे गले से उतार के फेंक देता है। दुआ, ये घर हमारी आखिरी पनाहगाह है। तो अम्मी, हमसे ये पनाहगाह कौन छीन रहा है? जाज़िब जी और ज़ारा पा तो इतने अच्छे हैं, आप ऐसे फिक्र कर रही हैं। तुम अभी बहुत छोटी हो बेटा, तुम ये बात नहीं समझ सकोगी। हम ज़ारा के घर में रह रहे हैं, और ज़ारा जाज़िब की जिंदगी में एक दूसरी औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। हमें अपनी हैसियत और हदूद का ख्याल रखना चाहिए। तो अम्मी, ज़ारा पा की जिंदगी में दूसरी औरत कौन है? ज़ारा की जिंदगी में दूसरी औरत तुम हो। मैं दूसरी औरत? इस तरह है।